अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम अपने छठे ब्लॉग के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हैं। मैं अनस भट्टी और ये जफर अली मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ध्यान से गाड़ी चलाएं। व्यूअर्स को देखते देखते अपना ना कमाल। तो व्यूअर्स, काफ़ी दिनों बाद दोबारा हम ब्लॉग बना रहे हैं और हमें पता है हम लेट हो गए हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। सही है। तो व्यूवर्स, आज आपको पता है गर्मियों का मौसम आ गया और गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस्लामाबाद में तो फिर भी मौसम थोड़ा बेटर हो जाएगा शाम को, लेकिन लाहौर और कराची वालों को तो मेरा सलाम है। कराची वालों को ज़्यादा है क्योंकि उधर सुना लोड शेडिंग भी हो रही है। खैर, चाहे लोड शेडिंग हो चाहे गर्मी हो, खाना तो कोई भी नहीं छोड़ सकता। तो आज हम एक नई जगह और एक नए ब्लॉग के साथ दोबारा हाजिर हैं आप लोगों के साथ। आज हमने काफ़ी पहले इसके ऊपर सोच विचार की है, क्योंकि पिछले जो काफ़ी ब्लॉग हैं उसमें हमने मीट से रिलेटेड जो चिकन की चीज़ें हम खाते रहे, आज हम जाते हैं किसी लोकल ढाबे पे और दिखाते हैं व्यूवर्स को कि इस्लामाबाद में भी ढाबे हैं, सिर्फ यहाँ पे मम्मी डैडी रेस्टोरेंट नहीं। बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट होता है, बहुत अच्छा। एक ढाबा है, हमें बताया है किसी हमारे दोस्त ने कि अच्छा उसका टेस्ट है, तो आज हम चलते हैं और उधर टेस्ट करते हैं उनका फूड। और आदमी अगर अच्छा लगा तो हमारा मूड तो वैसे यही है कि हम दाल या ऐसे वेजिटेबल टाइप की चीज़ खाएंगे। शुक्र ढाबे जो चले जी, बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि हम लोग आज गोश्त की जगह कुछ और भी ट्राई कर गोश्त खा कर आगे बीमार हो। लेकिन खैर, चले चलते हैं और देखते हैं आज कैसा है ढाबे का। मिलते हैं फिर ढाबे पे। आप जफर भाई, मैं कह रहा था इतनी मेहनत से हम ढाबा ढूंढ रहे हैं तो उसका खाना भी अच्छा होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए। अगर ना अच्छा होना हुआ ना, तो जिस बंदे ने हमें ये लोकेशन भेजी है ना, उस बंदे को मैं छोड़ूंगा। एक्सपीरियंस भी पता चलेगा। जी तो व्यूअर्स, बड़ा ढूंढने के बाद बिलाकर हम इधर पहुँच गए हैं। तो ये वो ढाबा आप देख सकते हैं, काफ़ी देसी टाइप का ढाबा, देसी टाइप का भी और इसका कोई वैसे भी। तो हम लोग यहाँ पे आपको लिंक में इसका लोकेशन भी शेयर करेंगे, तो ज़रूर आइएगा इधर। पहले हम जरा देख लें कैसे। ढाबे पे और ये हमें सीट भी मिल गई है। हाँ, आप सारे देख सकते हैं काफ़ी देसी सा माहौल है, देसी लोग भी हैं। हमने लाल लोबिया और चिकन कोरमा यहाँ फ्राई करवाया। फ्राई भी क्या होता है? फ्राई जो मैं अभी आपको बता रहा था गाड़ी, उसको फर्दर तड़का लगाते हैं। तड़के वाला ये लोबिया किस तरह का होता है? लाल लोबिया वैसे में काफ़ी अरसे बात। और क्या क्या अभी इन्होंने ऑप्शंस बताई थी आपको?
इनके पास हलीम भी है, कड़ी पकौड़ा भी है और सब्जी भी है, मिक्स सब्जी है और साथ में चिकन कोरमा है। लेकिन फिर भी आपने आपने वेजिटेबल तो फिर भी फॉलो नहीं किया, चिकन कोरमा पे आप आ ही गए। नहीं, लोबियम हुआ है, वेजिटेबल ही देगा, लोबिया कर लिया ना, लोबिया वेजिटेबल ही जैसा टेस्ट है। ये दफर भाई का फ्राइड लोबिया भी हम ट्राई करते हैं। दही लगाऊं? गुड, अच्छा बना हुआ। छोड़े ना वीडियो, आप भी खाएं ना। चलें, बाकी मैं अपना जो फीडबैक खाने के बाद देता हूँ आप। जी तो व्यूअर्स, खाना हमने खा लिया। मैंने तो खाते हुए रिव्यू दे दिया था, अब दफर भाई से भी पूछ लेते हैं कैसा था खाना। खाना जो है वो नॉट सो गुड नॉट सो बैड था। ये बहुत बुरा भी नहीं था और ये भी नहीं था कि बहुत ही लाजवाब भी नहीं था। चिकन का जो था कोरमा तो नहीं कहूँगा, वो सैलड टाइप था जिसका हम नॉर्मल घर में हमारे घरों में बनता है। और लोबिया भी जो था उसमें भी कुछ इतनी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात नहीं थी। ओवरऑल मैं इसको जो रेटिंग है ना, 5 out of 10 मेरी तरफ से। लेकिन अगर जफर भाई प्राइस के वाले से देखा जाए तो मेरे ख्याल से ठीक था खाना, प्राइस के हिसाब से भी। और वैसे एक और अच्छी बात ये थी कि ऑयल कम इस्तेमाल किया हुआ था। जैसे नॉर्मली ढाबों में होता है कि वो ऑयल भर देते हैं, तो यहाँ पे ये था कि ऑयल का बड़ा मुनासिब इस्तेमाल था, मिर्च मसाले भी मुनासिब थे, अच्छा था। लेकिन ये है कि हमने चाय जो है वो हमारा प्लान नहीं बना, क्योंकि मैं तो चाय पीता ही नहीं। चिकन जो था ना वो सही गला हुआ नहीं था, चिकन भी काफ़ी हार्ड था, काफ़ी हार्ड था, ठंडा था, ठंडा था। तो ये है कि इतना हमें मज़ा नहीं आया, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि हमने खा लिया खाना। अच्छा खाना, इतना बुरा खाना नहीं था। अगर आप इतना ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते तो आप यू कैन गो देयर एंड ईट समथिंग। कोई ऐसा गंदगी का भी सीन नहीं था, सारे लुहाज मार थे, सर्विस भी ठीक थी, सैलेड भी थी, मेरी सैलेड भी था, ग्रीन चिली भी थी, काफ़ी तेज सब कुछ उन्होंने साथ दिया था। पैसे भी मुनासिब थे, यानी कि 230 rupees हमें इस पूरे मील के उन्होंने चार्ज किए, क्योंकि बहुत ठीक इस्लामाबाद के लिहाज से तो बहुत से बहुत ठीक है। तो व्यूअर्स, अभी हमारे पास एक सरप्राइज है, तो ये हम आपको गर्मी को भगाने का सरप्राइज जो हमें गर्मी लग रही है अभी। तो चले आपको सरप्राइज की जगह पहुंच के बताते हैं कि क्या सरप्राइज है। जी तो व्यूअर्स, ये है आप लोगों का सरप्राइज। ये सरप्राइज नहीं है, सरप्राइज अभी आएगा। तो सरप्राइज ये नहीं है, सरप्राइज अभी आएगा। जफर भाई का रास्ते में गाड़ी देखने का मूड बन गया, अमीर बंदे हैं, नज़र आया तो मैंने कहा गाड़ी में डाल लेते हैं। अमीर बंदे हैं, गाड़ी ले सकते हैं, हम जैसे गरीबों को
चले जी, हम तो गाड़ियों के विंडो शॉपिंग करने आए हैं, तो देखते हैं कि कैसी गाड़ियाँ इधर। जफर भाई के लायक कोई गाड़ी है भी या नहीं। आते जाते राह करें, हमारे मतलब की गाड़ी उनके पास बहुत जल्द आ जाती है और बहुत जल्दी निकल भी जाती है। तो आई थिंक सर थोड़ा वेट करना चाहिए, वेट करना चाहिए, चक्कर चक्कर लगाते रहना चाहिए। जो हम डिस्ट्रैक्ट हो गए थे सरप्राइज से, अब दोबारा तरफ चलते हैं। तो चले सरप्राइज की तरफ मूव करते हैं। सी यू। सब खाते रहे हैं, एक होती है आइसक्रीम और एक होती है देसी आइसक्रीम। तो गोला भी कहा जाता है, कराची के लोगों को बहुत अच्छे से पता है क्योंकि वहाँ पे सबसे अच्छा मिलता है। कराची वालों ये बताना चाहते हैं, हमें पता है आपके पास बड़ा अच्छा गोला होता है, लेकिन यहाँ पे भी एक गोला मिलता है जो अच्छा है। शायद कराची जितना अच्छा ना हो, लेकिन इस्लामाबाद के लिहाज से बहुत अच्छा। कोई लड़ाई के मूड में नहीं। और ये प्लान हमने इसीलिए बनाया है कि खाने के बाद हमारे मीठा खाने की भी ख्वाहिश पूरी हो जाए और गर्मी का जोर भी टूट जाए। बिल्कुल ऐसा ही। चलें जी ठीक है, चलें अंदर चलते हैं। फैमिली जगह थी, आप वहाँ पे बैठ के खा सकते हैं। आइसक्रीम भी इनकी बहुत अच्छी होती है, होममेड। रेट इनका इस्लामाबाद वाला है, लेकिन टेस्ट भी इनका अच्छा है। आप लोग यहाँ पे इसलिए आ सकते हैं, कंफर्टेबल होके खा सकते हैं। हम तो सिर्फ पावर कट होने की वजह से बाहर खड़े होके खा रहे थे,
और ये है कि क्लीनलीनेस बहुत ज़्यादा थी सफाई, तो ओवरऑल बहुत अच्छा रहा। हाँ, खाने से ज़्यादा गोले का मज़ा है इसमें तो कोई शक नहीं, खर्चा बराबर ही हो रहा है। अब नींद आ रही है, खाना भी खा लिया है, गोला भी खा लिया ना। व्यूअर्स, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम किसी जगह जाएं और वहाँ जाके कोई ट्राई करें, वहाँ का हम ब्लॉग बनाएं, तो ज़रूर हमें अपनी राय दीजिए। बहुत ज़्यादा गर्मियों के पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जैसे खैर ज़्यादा तंग करेगी तो भी पहाड़ों पर चले जाएंगे। खैर व्यूअर्स, प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी कमेंट्स दीजिए, बताएं कि आपको कैसा लगा और हमें कुछ सजेशन है तो वो भी लाजमी दें। तो इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।